आप सब जानते हैं हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? नहीं जानते। क्राइम के लिए। क्राइम? लेकिन सर उसके लिए यहाँ इकट्ठा होने की क्या जरूरत है, वो तो हम बाहर भी कर सकते हैं। क्यों पटेल? हाँ, यहाँ कैसे कर सकते हैं क्राइम, यहाँ तो पब्लिक भी नहीं है। यही तो सर, हमें बाहर सड़क पे चल के क्राइम करना चाहिए। उषा जी, हम क्राइम करने की नहीं, क्राइम को रोकने की बात कर रहे हैं जो तेजी से बढ़ता जा रहा है। हाँ, आपको कैसे पता चला, अब तो दांत भी निकाल रहा है। कौन? क्राइम, मेरा बच्चा। क्या? हाँ सर, इसके चौथे बच्चे का नाम क्राइम है। नाइस नेम ना सर। पटेल साहब, हम आपके घर में पल रहे क्राइम की बात नहीं कर रहे हैं, समाज में पल रहे क्राइम की बात कर रहे हैं जिसे क्रिमिनल फैला रहे हैं, और इस क्राइम को रोकने के लिए ऊपर से दबाव और नीचे से प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। सर, हमें इस क्राइम को खत्म करना ही होगा। इसके लिए क्राइम ब्रांच से एक नया इंस्पेक्टर आ रहा है जिसके नाम से क्रिमिनल क्राइम करना भूल जाते हैं। वो जिस गली से गुजर जाए उस गली की सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, सिर्फ पान की दुकान छोड़कर, और उसका नाम है इंस्पेक्टर शुक्ला। इंस्पेक्टर शुक्ला फ्रॉम क्राइम ब्रांच। जय हिंद सर। दोस्तों, शहर में क्राइम वैसे बढ़ रहा है जैसे देश में महंगाई। हमें क्राइम को जड़ से खत्म करना होगा। अरे पूछिए कैसे? कैसे? क्राइम बढ़ा के। क्या? हाँ सर, पाप का घड़ा अपने आप फूट जाता है जब उसमें पाप भर जाता है, इसीलिए हमें अपने अंदर के पाप के घड़े को भरना होगा। लेकिन भरेंगे किससे? पाप से। क्राइम की नई नई योजनाएं बनानी पड़ेंगी और नए क्रिमिनल पैदा करेंगे पुराने क्रिमिनल को खत्म करने के लिए। माफ करना छोटा मुंह बड़ी बात, पर सर ऐसे तो शहर में गैंग वॉर बढ़ जाएगी। यही तो हम चाहते हैं, क्रिमिनल से दूसरे ही से लड़के मर जाए साले। भाई साहब, ये पतली गली कहाँ है? चौड़ी गली के बाजू में। तो चौड़ी गली कहाँ है? छोटी बिल्डिंग के पीछे। नहीं, पर वो छोटी बिल्डिंग कहाँ मिलेगी? वो बड़ी बिल्डिंग के पीछे। अच्छा, वो वहाँ। अच्छा, नए आए हो? हाँ, अभी अभी आया हूँ गोरखपुर से। कोई पहचान वाला है यहाँ? नहीं, कोई नहीं है। मतलब गायब हो जाओ तो कोई ढूंढने वाला नहीं है यहाँ? नहीं नहीं। तो यहाँ वहाँ ऊपर नीचे देखो तो देख के देखना, नहीं तो देखते देखते सामान गायब। अरे नहीं, ऐसे कैसे गायब हो जाएगा? मैं चाहे ऊपर देखूं, चाहे नीचे देखूं, चाहे आगे देखूं, चाहे पीछे की तरफ देखूं, कहीं भी देखूं, मेरा सामान गायब नहीं होगा। मेरा सामान गायब हो? अरे भाई साहब, तो वही आदमी चुरा के ले। ए पुलिस, ए पुलिस! ये यहाँ साइन कर और जा। हाँ। जी भाटिया जी। जी जी, मेरा सामान चोरी हो गया। चोरी का था? हाँ, नहीं मतलब मेरा था। तो फिर हमें टेंशन क्यों दे रहे हो? आप ढूंढ दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। यार एक बात समझ में नहीं आती। कौन सी भाटिया जी? कि तुम लोग अपना सामान संभाल के क्यों नहीं रखते हो? नहीं नहीं, मैंने संभाल के रखा था, लेकिन ऊपर की तरफ देख रहा था तो सामान नीचे से चोरी हो गया। ठीक है, नाम बोलो। मुसद्दीलाल पंडित। मुसद्दी पंडित? कैसे पंडित हो, शादीवादी कराते हो? नहीं, अंतिम संस्कार कराता हूँ। आप मेरा काम करा दीजिए, मैं आपका काम फ्री में कर दूंगा। कौन सा काम? अंतिम संस्कार। नहीं नहीं, पहले नाम तो लिखिए, मुसद्दीलाल पंडित। लिख लिया, पता बताओ। पता तो है नहीं। क्यों नहीं है? अभी अभी आया हूँ। अरे तो सामान मिलेगा तो तुम्हें कहाँ ढूंढते फिरेंगे हम? नहीं, मैं आके पता करता रहूंगा ना। अच्छा ठीक है, हमें क्या, चोरी हुई कहाँ थी? पुलिस स्टेशन के सामने। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ठीक ठीक बताओ कि पुलिस स्टेशन के ठीक सामने या थोड़ा दाएं बाएं? पुलिस स्टेशन से दो कदम बाएं। बस यही तो बात है, हम ये रिपोर्ट लिख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि चोरी हुई है साहबगंज एरिया के अंदर, और आप रिपोर्ट लिखा रहे हो बेगमगंज एरिया के अंदर। क्या? जी हाँ, सामने से ठीक बाएं साहबगंज पुलिस स्टेशन का एरिया पड़ता है। तो ऐसा कीजिए ना कि चोरी आप दो कदम दाएं कर दीजिए, तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ता है ना, अगर चोर ने कहा कि उसने चोरी साहबगंज एरिया में की है तो हमें सामान नहीं मिलेगा। आप साहबगंज पुलिस स्टेशन में जाओ और अपनी रिपोर्ट लिखवाओ। ये साहबगंज पुलिस स्टेशन कहाँ है? साहबगंज में। शुक्ला जी, आपको पक्का यकीन है कि वो यहाँ आएगा? अब उसका सामान चुरा लाए हैं तो आएगा ना लेने? वैसे हम उसे किसी और केस में भी तो फंसा सकते थे ना। जुर्म नहीं कबूल करेगा, उसमें जो है बस लीक होता है। क्या लीक होता है? अरे महाराज, लीक नहीं, वीक होता है। अब देखिए, वो आएगा, अपना बक्सा देखेगा, फिर कहेगा बक्सा और उसके अंदर का सब सामान उसका है, तो ये बयान जो है हम रिकॉर्ड करवा लेंगे। उसके बाद जब बक्सा खुलेगा तो उसमें तो निकलेगा वही ना जो हमने रखा है। यानी कि वो खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लेगा? बड़े पढ़े लिखे आदमी लगते हैं आप, है ना? क्या होता है भाटिया, कहाँ, किस तरफ?
अरे यार पांडे जी की बच्ची को स्कूल से लेने जा रहा हूँ। क्यों, तरक्की के लिए? चमचागिरी? चमचागिरी कौन करता है, वो तो क्या है कि उसके लड़के का टिफिन बहुत अच्छा होता है, वो खाता नहीं है, आते आते मैं साफ कर देता हूँ, कसम से बड़े मजे का खाना होता है, बस अभी आया। भाटिया जी, भाटिया जी, जब खाने की बात करो कोई ना कोई टोक देता है। नहीं देखिए, बात यह है कि वो साहबगंज पुलिस स्टेशन वाले कह रहे हैं कि दो कदम बाएं जो है वो बेगमगंज पुलिस स्टेशन में आता है। यार हम कह रहे हैं कि साहबगंज के पुलिस स्टेशन के एरिया में आता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बेगमगंज के पुलिस स्टेशन के एरिया में आता है। अच्छा अच्छा, मतलब हमारी बात पर यकीन नहीं है। देखिए अगर आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया ना, तो साहबगंज और बेगमगंज के बीच में मैं गुलामगंज बन जाऊंगा, कुछ कीजिए प्लीज। अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, तुम कल आना। आप जरा रिपोर्ट तो लिख लीजिए। अरे कहा ना कल आना, कल तक तो बहुत देर हो जाएगी ना। अरे यार तुम एक काम करो, तुम साहब से मिलो। कौन साहब? उषा जी। नहीं नहीं, उठवा लेते हैं, उसमें डरने की क्या बात है। बाय। मैडम मेरा नाम मुसद्दीलाल पंडित है। पंडित हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, मंदिर में जाओ ना। नहीं मैं वो वाला पंडित नहीं हूँ। तो कौन से पंडित हो? मैं तो, अरे मैडम देखिए वो छोड़िए, मेरा सामान देखिए। दिखाइए। वो है ही नहीं मेरे पास। अरे अभी कहते हो सामान देखिए, अभी कहते हो नहीं है। तो चोरी हो गया है ना, तो रिपोर्ट लिखवाओ ना। तो रिपोर्ट लिखवाना ही तो आया हूँ। गलत जगह पे आए हो। क्यों, ये पुलिस स्टेशन नहीं है। है ना, तो फिर रिपोर्ट तो यही लिखी जाएगी ना। भाटिया जी लिखते हैं ना। तो भाटिया जी तो नहीं है ना। आएंगे। तो कब आएंगे मैडम, देखिए तब तक तो मेरा सारा सामान गायब हो जाएगा। देखिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज कुछ कीजिए। तुम लोग ना भी बहुत इमोशनल कर देते हो। वो वहाँ रजिस्टर है ना, वो लेके आओ, FIR वाला। अच्छा मैडम। क्या हुआ लाए? मैडम ये देखिए मेरा सामान मिल गया मैडम। रिपोर्ट लिखवाने से पहले ही मिल गया? हाँ मैडम, ये मेरा ही बक्सा मैडम, मिल गया। थैंक यू वेरी मच। देखा पुलिस का कमाल, कंप्लेंट लिखने से पहले ही मिला ना। ये सामान तुम्हारा है? हाँ ये सामान मेरा है। वो क्या है कि एक चोर रास्ते में मिला था, उठाई गिरा, वो उठा। तुम्हारी मूंछ कहाँ चली गई? तुमने मेरा सामान चुराया था। होल्ड ऑन, मैं चोर नहीं हूँ। अरे मारा इसका। अरे इसका बचाएगा। ये हमारे बड़े साहब है, इंस्पेक्टर शुक्ला है ये। अरे पर उस आदमी की शक्ल तो बिल्कुल इनसे मिलती थी जिसने मेरा बक्सा चुराया था। सॉरी भाई साहब। कमिश्नर पांडे, अब हम ये ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे, हम इसी वक्त आपका पुलिस स्टेशन छोड़ के जा रहे हैं। क्यों सर? अरे मेरे बगल में खड़े, मैं चिल्ला रहा हूँ पांडे बचाओ, बचा ही नहीं रहे मुझे। आपने जी क्यों नहीं लगा? हाँ पांडे के आगे जी ना लगे तो हमें सुनाई नहीं देता है। यार गलती हमारी थी पांडे जी, सॉरी। क्या नाम है तुम्हारा? मुसद्दीलाल पंडित। ये बक्सा तुम्हारा है? हाँ हमारा है। इसके अंदर का सामान? हमारा है। उषा जी, जी नोट कीजिए जी, इसका बक्सा और बक्से के अंदर का सामान सब रिकॉर्ड करवा लीजिए जी। चलिए अंदर रिकॉर्ड करेंगे, वही रूम में। ठीक है चलो। वाह मान गए शुक्ला जी हैं, जब बक्सा खुलेगा तो उसमें से निकलेगा गांजा चरस अफीम और बंदूक। ये सब सामान तो मेरा नहीं है। अभी तो तुमने कबूला कि ये बक्सा तुम्हारा है। ये बक्सा हमारा है मगर ये वाला सामान हमारा नहीं है। झूठ मत बोलो, तुमने कहा कि अंदर का सामान भी तुम्हारा है। ये तुम्हारा लिखित बयान है। यही तो, ये रिकॉर्डेड बयान जो तुमने खुद रिकॉर्ड किया है। नहीं नहीं, ये हमारे बक्से के अंदर ये सब कैसे आ गया पता नहीं। हमारे बक्से में तो 4 जोड़ी कपड़े, 2000 रुपए, 1 हनुमान जी की फोटो, हाँ और 25 बेसन के लड्डू थे। 25 नहीं थे, 15 थे। हाँ हाँ, 10 हम रास्ते में खा गए थे ना, तो 15 ही थे। ये आपको कैसे पता लगा? वो हमने गेस किया। लेकिन 4 जोड़ी कपड़े और 2000 रुपए थे, ये कैसे पता लगा भाई? वो तो क्या है भाई साहब, गांव से आने वाला हर आदमी यही कहता है कि उसके बक्से में ये है, मगर निकलता है ये। किस भाई का आदमी हो तुम? हूँ जद्दीलाल। कौन है भाई? बेस कहाँ है? बेस रहता कहाँ है? साउदी। साउदी से डील करता है? वहाँ वेल्डिंग का काम करता है। ओ, तो ये बक्सा सऊदी से आया? नहीं, गोरखपुर से आया। ओहो, नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके आया है। हाँ, वाया पाकिस्तान। ए, गुरगुर के देख क्या रहे, बोलता क्यों नहीं? अब मैं क्या बोलूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप सब लोग क्या कह रहे हैं। मेरे बक्से के अंदर ये सब, ये अफीम गांजा ये सब कहाँ से आ गया, मेरा नहीं है। मुझे तो पता नहीं कि सब पता चल जाएगा। उषा जी, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाइए। अरे मर गया। अरे मत मारो, अरे मार डालोगे क्या?
अरे मारेंगे कैसे, मरने थोड़ी देंगे, मानव अधिकार वाले छोड़ेंगे नहीं हमको। अरे तुम क्यों मार रहे हो फिर? इसलिए कि तुम बता सको कि तुम भाई को जानते हो। तो इसमें मारने की क्या जरूरत है? तो ऐसे ही बता दोगे क्या? हाँ बता दो, बोलो। भाटिया रिकॉर्ड करो। हाँ बोलो। मैं भाई को जानता हूँ, तीन तीन भाई। तीन तीन भाई को? हाँ, कबड्डी लाल, हजती लाल और नजदीकी लाल। क्या करते क्या है? एक वेल्डिंग करता है, एक कारपेंटर है और एक प्लम्बर है। अरे किस भाई के बारे में बात कर रहे हो तुम? अपने भाई के बारे में। भाई की बात नहीं कर रहे हैं हम। तुम किसके भाई की बात कर रहे हो? एम ग्रुप वाले की। एम ग्रुप? मुशर्रफ भाई। मैं किसी मुशर्रफ भाई को नहीं जानता। हम जानते हैं कि तुम जानते हो। नहीं मैं नहीं जानता हूँ। झूठ मत बोलो। जब वो पाकिस्तान से आया था तो तुम उससे मिले थे? मैं मिलने के लिए गया था। हाँ। अरे कमाल कर रहे हैं आप, जिन लोगों ने मिलना था वो नहीं जा सके, मैं कहां से जाऊंगा, टाइट सिक्योरिटी थी। अरे यार हम उस मुशर्रफ की बात नहीं कर रहे हैं। वही किस मुशर्रफ की बात कर रहे हो? वो जो इंडिया में गड़बड़ी फैला रहा है। ये मुशर्रफ भी तो इंडिया में गड़बड़ी फैला रहा है। वो जो पाकिस्तान में छुपा है। ये भी तो पाकिस्तान में ही रहता है। यार वो जो इंडिया से भाग के पाकिस्तान गया था। ये भी तो इंडिया से भाग के पाकिस्तान गया था। अरे वो जो जवानी में भागा था। नहीं है लेकिन बचपन में भागा था। अरे वो मुशर्रफ जो पाकिस्तान में छुपा है, अंडरवर्ल्ड का डॉन है। क्या? नहीं माँ कसम मैं नहीं जानता हूँ। हम जानते हैं। क्या? कि तुम नहीं जानते हो। अरे जब जानते हो तो फिर क्यों क्यों मार रहे हो? पहले बोलो कि तुम जानते हो। अरे कमाल कर रहे हो, एक बार कहते हो कि तुम जानते हो कि मैं नहीं जानता हूँ और फिर कहते हो कि मैं कहूँ कि मैं जानता हूँ। आप जानना क्या चाहते हैं? बस उसका पता बता दो। मुझे नहीं पता। हमें पता है। तो फिर पूछ क्यों रहे हो? क्योंकि हम तुम्हारे मुँह से सुनना चाहते हैं। क्यों? ताकि अदालत को यकीन हो जाए कि तुम मुशर्रफ भाई जो अंडरवर्ल्ड डॉन है उसको जानते हो। नहीं 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 नहीं। चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम तुम्हें सरकारी गांव बनाएंगे, गांव में खेती के लिए जमीन देंगे, पैसे देंगे। अच्छा? सुधरने का मौका देंगे। सुधरने का? पर मैं बिगड़ा ही कब हूं? अरे यार हम तुम्हारी लाइफ चेंज कर देंगे, तुम्हें क्रिमिनल से एक शरीफ आदमी बना देंगे। हो सकता है तुम्हें इलेक्शन का टिकट भी मिल जाए। मैं तो शरीफ हूँ, टिकट कैसे मिलेगा? अरे तुम शरीफ थे, चरस गांजा अफीम इन सब के साथ तुम्हारी तस्वीर छपी अखबार में। नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा मत कहिए, प्लीज मत कहिए। आप मुझे जाने दीजिए, मैं वहां गांव चला जाऊंगा, वहां जाके जूही चावला जैसी लड़की के साथ शादी कर लूंगा। वेरी गुड आइडिया, लेकिन बस एक बार तुमको बोलो कि तुम मुशर्रफ को जानते हो। नहीं कबूलूंगा। कबूलो वरना दो बातें हो जाएगी, या तो हम तुम्हें रोज मारेंगे या तो कभी कभी मारेंगे। कभी कभी मारा तो ठीक, रोज मारा तो दो बातें होंगी, या तो तुम मर जाओगे या तो अपाहिज हो जाओगे। मरने हम तुम्हें देंगे नहीं, और अपाहिज हो गए तो दो बातें होगी, या तो हाथ से जाओगे या तो पांव से जाओगे। पांव से जाओगे तो बैसाखी से चलोगे, मगर हाथ से जाओगे तो बैसाखी कैसे पकड़ोगे, खाना कैसे खाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बोलो कबूलते हो ना? ऐसे नहीं मानेगा सर ये। ए, 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 मारो नहीं, गुदगुदी करो। अरे खैर बहुत ही ढीठ आदमी है, ऐसा बदमाश शरीफ आदमी मैंने कभी नहीं देखा। मारा? अरे सर बहुत मारा, लेकिन कबूलता ही नहीं है कि भाई का आदमी है। लेकिन हम ग्रुप का कोई वकील इसे छुड़ाने भी तो नहीं आया ना। ढंग से पीसो, ढंग से। मैडम आप चाहें तो मुझे मार लें, आप चाहें तो मुझे गुदगुदी कर लें, पर ये वाली सजा मत दें। अरे ना दे तो खाएं क्या, घर में मसाला नहीं है ना। ओ मुशदीलाल, वकील साहब मिलने आए हैं। मुझसे मिलने आए हैं? मिल लो, बाद में ये सब तो करना ही है। अच्छा अच्छा, आप मुझे यहाँ से छुड़ाने के लिए आए हैं? आप उनको भाई ने भेजा है। हुजद्दी भाई ने? कबड्डी भाई ने? नहीं, आप उनको मुशर्रफ भाई ने भेजा है। अभी तुम इधर साइन कर दो, अपुन लड़ता है ना तेरा केस, अपुन निकालता है तेरे को इधर से बाहर। अच्छा अच्छा, अपुन अगर साइन कर देगा तो ये साबित हो जाएगा कि अपुन भाई का आदमी है। हाँ। फिर पुलिस अपुन को पकड़ लेगा। हाँ। फिर वापस इधर ही लेके आएगा। हाँ। जब वापस इधर ही आना है तो बाहर जाने का क्या मतलब है, अपुन साइन नहीं करेगा। ए, अपुन का भाई बहुत नाराज होगा। अगर अपुन ने साइन कर दिया तो अपुन का भाई बहुत नाराज होगा। तेरा भी कोई भाई है? क्यों, सिर्फ तुम्हारा भाई हो सकता है, हमारा भाई नहीं हो सकता। तो तू अलग ग्रुप का है? हाँ अलग ग्रुप का। मतलब पुलिस भाई को फंसाने के लिए चाल चल रही है। अब तो तू गया मुसद्दीला। मैं कहाँ गया, मुझे तो जाने नहीं देते। जाने दे तब जाओ ना। चिंता करू ना, अपना आएगा ना बंटू तेरे को छुड़ाने को। ओके बाय। ये वकील को ना कह को बोला?
अच्छा साइन कर देता तो ये साबित हो जाता ना कि मैं भाई का आदमी हूँ। साइन नहीं किया तो अब तक तो साबित नहीं हो ना, अब साबित करना पड़ेगा, है ना? कब तक बचेगा बच्चों, कभी तो कबूलेगा। चल चल साले, जेब काटता है तेरी तो। थैंक यू बढ़िया भाई। आप मुझे जानते हैं? हाँ अपुन जानता है। मैं तो आपको नहीं जानता हूँ। हाँ अपुन जानता है। पर अपुन तो आपको नहीं जानता, आप हैं कौन? अपुन है M ग्रुप का सेकंड लेफ्टिनेंट सेट्टी साफ शूटर। क्या? हाँ अपुन तेरे को टपकाने आए लाए क्या? मगर क्यों क्यों भाई साहब, देखिए देखिए शेट्टी साहब, ये बंदूक बंदूक का क्या मतलब है, क्या है? तू हमारे वकील एम ग्रुप के वकील को साइन देने के लिए मना किया, तेरे को मालूम एम ग्रुप के वकील को कुछ भी नहीं देने का मतलब क्या? क्या वो? चल तैयार हो जा मरने के। नहीं नहीं देखिए देखिए देखिए, आप मुझे मत मारिए, मुझे आप छोड़ दीजिए, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं। हट, सेट्टी सार शूटर बड़ा सार प्लीज शूट करेगा, मरने को तैयार। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। मुसद्दी लाल पंडित को बंदूक दिखाए, बंदूक खून खून खून। अरे बाटिया जी बंदूक है। मुझे मत मारना, मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। नहीं मैं आपको मारूंगा थोड़ा ही। नहीं नहीं नहीं, देखो दरवाजा खुला हुआ है, आपको जहाँ जाना चले जाओ। मैं आपको थोड़ा ही मारना चाहता हूँ, ये तो वो आदमी मुझे मारना चाहता था। अरे अरे भैया भागना है तो भाग जाओ, लेकिन मारो नहीं यार। ये सब उनका क्या धरा है? अरे तुम्हें भागना तो भाग जाओ यार, मारते क्यों हो? नहीं नहीं, पर मैं भागूंगा क्यों, मैंने तो उस आदमी को मारा है ना। कोई बात नहीं, आप जाइए। नहीं नहीं, ऐसे मैं चला जाऊंगा तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म हो जाएगा। अरे कौन बोला जुर्म? ए भाटिया तू बोला क्या? ना ना ना, मैंने भाई गॉड नहीं बोला, आप जाओ आप जाओ। कमाल की बात है, जब मैंने कुछ नहीं किया था तो तब आपने मुझे यहाँ पकड़ लिया और पकड़ के खूब मारा, अब मैंने एक आदमी को मार के बेहोश कर दिया है और आप मुझसे कह रहे हैं तू चला जा। मैं तो ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं तो अंदर जा रहा हूँ। आप अंदर मत जाइए, बाहर जाइए। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, मैं तो अंदर जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मान जाइए, वरना दो बातें हो जाएगी, या तो आप अंदर चले जाएंगे या तो बाहर भाग जाएंगे। अंदर चले गए तो सड़ के मर जाएंगे, मगर बाहर गए तो दो बातें होंगी, या तो एम ग्रुप वाले आपको मारेंगे या तो आप उनको मारेंगे। उन्होंने आपको मारा तो ठीक, मगर आपने उनको मारा तो दो बातें होंगी, या तो आप अर्जुन पंडित के सनी देओल की तरह अपना गैंग बनाएंगे, या तो फिर सत्या के सत्या की तरह बन जाएंगे। सनी देओल बने तो जूही चावला मिलेगी, और सत्या बने तो उर्मिला भी क्या बुरी है, भाग जाइए ना। आई बात समझ में? नहीं, बात तो समझ में आ गई है, लेकिन गैंग बनाने के लिए थोड़े आदमियों की जरूरत होगी। आदमी हम देंगे। और हथियार? वो हम देंगे। और पैसा? वो सरकार देगी। ओके ठीक है, तो गैंग बना लेते हैं, उसमें क्या है? ओके, इस शहर का किंग कौन? मुसद्दी लाल पंडित।